दोस्तों स्वागत है आपका द पीपल चैनल पर। मेरा नाम है नेक। देखिए रिव्यू करेंगे इस वीडियो में स्ट्रॉन 200 एमजी कैप्सूल के बारे में और पूरी जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम में दिया जाता है। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए स्ट्रॉन जो होता है ये सीरम कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर 200 मिलीग्राम में आता है प्रोजिस्टिरोन। दोस्तों प्रोजिस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन होता है जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है, तो महिलाओं के लिए ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और कोई व्यक्ति यूज ना करे, सेल्फ यूज ना करे। दोस्तों ये जो ओवरी ग्रंथि होती है महिलाओं के अंदर, वहाँ पर ये हार्मोन्स बनता है, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ये नहीं बन पाता, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है उसी कारण भी नहीं बन पाता दोस्तों। फिर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कैप्सूल फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में। अगर कैप्सूल फॉर्म में आपको प्रिस्क्राइब किया, आपको स्ट्रॉन्ग नाम से ना मिले, तो आप सस्टेन ले सकते हैं सनफार्मा का। इंडोजेस्ट टेबलेट फॉर्म में भी आती है, वो भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इस कैप्सूल का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। पहला है या तो आप ओरल ले लीजिए, पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में। या अगर आपको दिक्कत होती है, आपको सूट नहीं करता कैप्सूल लेने से, तो आप विजाइना के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेटर के थ्रू विजाइना के अंदर लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये काम मिल जाता है। देखिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम के में दिया जाता है, जैसे कि अगर बांझपन हो जाता है कुछ महिलाओं में, बच्चा नहीं लग पाता, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये देते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ये दिक्कत हो जाती है बहुत सारी महिलाओं में, तो वहाँ पर चलाया जा सकता है। दोस्तों पीरियड्स जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं महिलाओं के अंदर, कभी एग्जैक्ट डेट पर नहीं आ रहा, कभी अलग आ रहा है कभी अलग आ रहा है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट रेगुलर करने के लिए देते हैं। पीरियड रुक जाता है वहाँ पर लाने के लिए दिया जाता है। मिस ग्रेजिंग हो जाती है या हो रही है, लगता है कुछ ब्लीडिंग जैसा निकल रहा है, तो वहाँ पर चलाया जा सकता है। अगर प्री मेच्योर डिलीवरी ऐसा लगता है हो जाएगी, 9 महीने से पहले ही बच्चा आने लगता है, 7 या 7.5 महीने बाद, वहाँ पर भी चलाया जाता है, जिससे कि बच्चा 9 महीने बाद ही आए। तो सभी प्रॉब्लम में दोस्तों काम आता है, महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम में ही काम आता है। डोज की बात करें 200 मिलीग्राम के दिन में 2 बार ले सकते हैं मैक्सिमम। वैसे नॉर्मल डोज भी सुबह शाम ही होती है, कम से कम एक डोज आप जरूर लीजिएगा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट थोड़े होते हैं, जैसे कि थकान हो सकती है लेने के बाद, चेस्ट में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सर भारी रह सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। कुछ महिलाओं में हो सकते हैं, सभी को नहीं होते, कुछ को हो सकते हैं। वैसे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं हो तो एक बार डॉक्टर को बता दीजिएगा। इसकी सावधानी बस यही है, डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर कोई महिला है वो भी डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। कोई स्मोक करती है, एल्कोहल कोई ड्रिंक करती है, तो वहाँ पर इसके डोज मत लीजिएगा, कुछ घंटों का अंतर रखिएगा। गाड़ी चलाते हुए दोस्तों नहीं लेनी चाहिए, हल्की सी नींद आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी सावधानी है। संपूर्ण रिव्यू था, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा आपको अच्छा लगा, वरना डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप